नमस्कार, मैं हूं विजय यादव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आईपीएन न्यूज में। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो है बिहार राज्य से। मामला साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद आग लगाकर उसकी हत्या करने और शव को ठिकाने लगाने का प्रकाश में आया है। घटना 3 जनवरी 2021 की बताई गई है। इस मामले में मृतका के पिता के आवेदन पर पुलिस ने गुलशन कुमार, चंचल कुमार, अभिनय कुमार तथा राजा कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आवेदन में बताया कि वे पंजाब स्थित एक कारखाने में मजदूरी करते हैं। 3 जनवरी को मोबाइल फोन पर उन्हें जानकारी मिली कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद आग लगाकर छोटी पुत्र की हत्या कर दी गई है। 6 जनवरी को जब अपने घर पहुंचे तो मामले को सही पाया। उनकी दूसरी पुत्री ने घटना के संबंध में बताया कि 5 दिसंबर 2020 को देर रात्र में उनकी छोटी पुत्री के साथ गुलशन कुमार तथा चंचल कुमार ने दुष्कर्म किया। इस कुकृत्य का वीडियो बना लिया और बराबर शारीरिक संबंध बनाने तथा किसी को बताने पर हत्या करने की धमकी दी। अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। 3 जनवरी की सुबह में चारों आरोपियों ने उनके घर के एक कमरे में दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को जला दिया। थाना अध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।